राजस्थान के अंदर पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के अंदर अजमेर से लेकर जयपुर तक यात्रा निकालकर इसी पेपर लीक और आरपीएससी को भंग करने की मांग अपनी ही सरकार के अंदर उठाई थी, अब वही हालत हो चुकी है बीजेपी सरकार के अंदर। किरोड़ीलाल मीणा, क्या किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से कांग्रेस में सचिन पायलट थे, क्या बीजेपी के पायलट बन चुके हैं? जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार में होने के बावजूद जो एसओजी है उसके पास पूरे सबूत पेश करते हैं कि आखिर राजस्थान के अंदर सभी भर्तियों में, यहां तक कि आरएएस जो भर्ती है उसके अंदर भी इतना बड़ा कांड जो किया था, इतना बड़ा पेपर लीक का जो कांड था, आखिर उस कांड के अंदर कौन कौन दोषी थे? अब बाबा एसओजी के दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर के अंदर वो सारे कागजात प्रस्तुत किए जिनके अंदर पेपर लीक के राज छिपे हुए थे। गहलोत सरकार के अंदर सचिन पायलट ने पेपर लीक को लेकर और आरपीएससी को भंग करने को लेकर अपनी ही सरकार से बगावत कर दी थी और यात्रा निकाली थी, जयपुर के अंदर अनशन किया था। अशोक गहलोत तब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और सचिन पायलट को किसी भी तरीके से मना लिया गया या वो बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन ऐसे समय पर जब किरोड़ीलाल मीणा के पास किसी तरीके का कोई पद नहीं है क्योंकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ऑफिस जाना छोड़ दिया, विधानसभा जाना छोड़ दिया, और ऐसे वक्त पे करोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक के मुद्दे को क्यों उठाया? कुछ लोग बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं, पता नहीं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहते हैं, बीजेपी के नेताओं को खुश करना चाहते हैं। आखिर किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार में एसओजी के पास पहुंचते हैं, एसओजी के पास वो सारे सबूत पेश करते हैं जिनके अंदर अशोक गहलोत के काल के अंदर हुए पेपर भ्रष्टाचार के जो भी लोग लिप्त हैं उनके सबके राज उन पन्नों के अंदर छिपे हुए हैं। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले में कई गिरफ्तारी भी हुई, भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हुआ, हालांकि सुरेश ढाका आज तक सुरेश ढाका जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले के अंदर किरोड़ीलाल मीणा ने जो कागज जो तथ्य पेश किए हैं उसके अनुसार आरपीएससी और सरकारी कर्मचारियों को भी 65 लाख रुपए अलग अलग तारीख पर अलग अलग रकम में लेने का आरोप लगाया है। आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, किरोड़ीलाल मीणा ने 15 दिन का अल्टीमेटम एसओजी को दिया है और अगर 15 दिन के अंदर जांच नहीं सौंपी तो फिर बाबा कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब एसओजी के दफ्तर पहुंच के सारे सबूत पेश कर दिए और गहलोत सरकार के एक एक काले चिट्ठे जो उन्होंने भविष्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था उसको लेकर एक एक काले चिट्ठे के जो सबूत हैं वो किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी के पास पेश कर दिए हैं और टाइम मांगा है कि समय दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर जो लोग इस मामले में दोषी हैं अगर सभी दोषियों को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो फिर किरोड़ीलाल मीणा बड़ा कदम उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक से जुड़े सारे तथ्य एसओजी के पास पेश कर दिए हैं और एक के बाद एक मीडिया के सामने आकर किरोड़ीलाल मीणा ने पन्ने पलटते हुए बता रहे हैं कि देखिए इस का नाम है, भूपेंद्र सारण का नाम है, आरपीएससी चेयरमैन का नाम है, गहलोत साहब ने किस तरीके से ये पेपर लीक करवाया वो पूरे राज बता दिए हैं। अब इनको बताने के बाद एसओजी के ऊपर है, एसओजी को 15 जो दिन है उनका अल्टीमेटम दिया गया है, 15 दिन के अंदर इन अल्टीमेटम जो दिया है इसके अंदर एसओजी क्या जांच करती है और क्या जांच करने के बाद सचमुच जो आरोपी होने का दावा किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं कागजों के अनुसार क्या सचमुच वो आरोपी निकलेंगे और अगर वो आरोपी निकलते हैं तो कौन कौन कांग्रेस का नेता होगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर सामने आती है और उन्होंने कहा, मुकेश भाकर ने कहा, कई नेताओं ने कहा कि जो दोषी है ना उसकी जात है ना धर्म है, वो सिर्फ दोषी है, जो युवाओं के साथ अन्याय करेगा, कुठाराघात करेगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। तो अब कौन से कांग्रेस के नेता हैं जो पेपर लीक कांड में सलाखों के पीछे जाएंगे, क्या एसओजी सचमुच 15 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार करेगी जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं, और क्या अगर जांच नहीं होती है तो किरोड़ीलाल मीणा कोई बड़ा कदम उठाएंगे। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।